दोस्तों फ़ोन में रैम बढ़ाने के लिए फ़ोन में अलग अलग ऐप्स इंस्टॉल करना होता है, लेकिन आज इस वीडियो में फ़ोन में रैम बढ़ाने के लिए एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे फ़ोन में 6 GB, 8 GB, 10 GB, 12 GB मर्जी से फ़ोन में रैम बढ़ा सकती हूँ। मेरे पास ये लो एंड डिवाइस है और मेरे फ़ोन में 4 GB रैम है और एक ट्रिक ऐड करके मैंने फ़ोन में रैम को बढ़ाया, जो आज इस वीडियो में लाइव करके दिखाऊंगा कैसे आप फ़ोन में बिना कोई ऐप डाउनलोड किए फ़ोन में रैम इंक्रीज कर सकती हो। अगर आप जानना चाहते हो फ़ोन में बिना किसी ऐप को इंस्टॉल किए कैसे रैम इंक्रीज करना है, तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए और ये वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ ज़रूर से शेयर भी कर देना। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सत्य, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में देखिए छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकन को बाकी ऑल पे सेट कर दीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए रैम इंक्रीज, ये छोटा सा कमेंट लिख कर ज़रूर से सेंड कर देना। दोस्तों जितने भी 35, 40, 50, 60 हज़ार के फ़ोन होते हैं उन सभी फ़ोन में पहले से फीचर होता है रैम एक्सटेंड करने के लिए, यानी रैम बढ़ाने के लिए, लेकिन लो एंड डिवाइस में यह ऑप्शन नहीं होता है। ऐप इंस्टॉल करके वर्चुअल रैम बढ़ाते हो, लेकिन आज इस पर बताऊंगा फ़ोन में बिना कोई ऐप डाउनलोड किए कैसे फ़ोन में रैम बढ़ा सकती हो। जैसे मेरे पास ये लो एंड डिवाइस है और मेरे फ़ोन में पहले 4 GB रैम था और यहाँ पर एक सेटिंग को ऐड करके मैंने रैम बढ़ाया, जो लाइव करके दिखाऊंगा। लेकिन जो भी सेटिंग स्टेप बताऊंगा सारे स्टेप को सही से फॉलो करना है, तभी आपके फ़ोन में रैम बढ़ेगा। फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करना है, सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे आइए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है बैटरी एंड डिवाइस केयर, यह ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है मेमोरी यानी रैम, यहाँ से मेमोरी सेलेक्ट करना है। मेमोरी सेलेक्ट करने के बाद ये चेकिंग होगा, फिर यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन है रैम प्लस। दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना, एक नया ऑप्शन मैंने ऐड किया है रैम प्लस, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर देखिए 2 GB, 4 GB, 6 GB। जैसे मेरे फ़ोन में यहाँ पर 4 GB रैम है, अगर मुझे 2 GB रैम बढ़ाना हो यहाँ से 2 GB रैम मैं सिलेक्ट करूँगा। फिर नीचे ऑप्शन है रिस्टार्ट नाउ, जो आप पहले ऐप इंस्टॉल करके वर्चुअल रैम बढ़ाते थे, यह ऑप्शन आपके फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा बिना कोई ऐप इंस्टॉल किए। तो बस आपको यहाँ पर रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पर यह फ़ोन रिस्टार्ट होगा। जैसा कि मेरे फ़ोन में 2 GB रैम बढ़ चुका है, पहले 4 GB रैम था और ये 2 GB बढ़कर टोटल हुआ 6 GB रैम। जैसे यहाँ पर ऑप्शन है 4 GB, मेरे फ़ोन में पहले से 4 GB रैम है, अगर मैं यहाँ से 4 GB सेलेक्ट करता हूँ टोटल यहाँ पर 8 GB रैम होगा। जैसे ऑप्शन है 6 GB, अगर मैं यहाँ से 6 GB सेलेक्ट करता हूँ फिर रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगा, फ़ोन यहाँ पर रिस्टार्ट होगा। तो जैसे कि मेरे फ़ोन में 6 GB रैम बढ़ चुका है, पहले 4 GB रैम था और यहाँ पर 6 GB रैम बढ़ चुका है, यानी 6 और 4 मिला के हुए 10 GB रैम यहाँ पर टोटल मेरे फ़ोन में इंक्रीज हो चुका है। जैसा कि मैंने आपसे वीडियो में कहा था, वीडियो को ध्यान से देखना और ये सब वो सेटिंग जो बिना कोई ऐप डाउनलोड किए रैम प्लस से फ़ोन में रैम बढ़ा सकती हो। ये तो हो गया कैसे रैम बढ़ाना है, और ये ऑप्शन आपके फ़ोन में आएगा कैसे ये आप जान लीजिए। रैम प्लस ये जो ऑप्शन है रैम बढ़ाने के लिए, ये ऑप्शन आपके फ़ोन में भी आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो यहाँ से बैक करना है, बैक कीजिए और यहाँ पर सेटिंग में आइए, सबसे नीचे आना है और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए डाउनलोड एंड इंस्टॉल यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, आज मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, अगर आपने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया होगा इंस्टेंट आपको अपडेट करना है और आपके फ़ोन में भी यह ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर योर सॉफ्टवेयर इज अप टू डेट, इस तरीके से आपको ये सॉफ्टवेयर अपडेट करना है और ये अपडेट करने के बाद आपके फ़ोन में सेटिंग में अगर आप आओगे तो इस तरीके से आपको ये ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से रैम बढ़ा सकती हो, जो मैंने यहाँ पर लाइव आपको करके दिखाया बिना कोई ऐप इंस्टॉल किए किसी भी फ़ोन में रैम को बढ़ा सकती हो। रहना काफ़ी कमाल का ट्रिक, ज़रूर से ये स्टेप फॉलो करना। सबसे पहले आपको फ़ोन अपडेट करना है, अपडेट करने के बाद ही आप फ़ोन में रैम बढ़ा सकते हो, बिना अपडेट के रैम नहीं बढ़ा सकते हो। तो ये था वो ट्रिक, ये ट्रिक ऐड करके किसी भी फ़ोन में रैम को बड़ी आसानी से बढ़ा पाओगे। मुझे उम्मीद है ज़रूर से आपको वीडियो पसंद आएगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो पर लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।